अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब इलेक्ट्रिक एक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको 36 स्लॉट सीलिंग फ़ैन का वाइंडिंग डाटा बताऊं। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो सेट आप देख रहे हैं इसको हम डबल करके इस तरह से डालते हैं। ये आप देखें, गौर से देखें, तो ये सेम जैसे मशीन पर सेट क्लॉथ बनते हैं वैसे ही हम भी ऐसे बनाते हैं। इस पर जो सेट हम डाल रहे हैं इस पर बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट है, मतलब स्पीड भी बहुत हाई बनती है सीलिंग फ़ैन की। तो अब आ जाते हैं डाटा पे। डाटा सबसे पहले आ जाते हैं रनिंग पे। तो रनिंग में हमने जो वायर इस्तेमाल की है वो है 31 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है, और इसमें जो टर्न दी गई हैं वो है 310 टर्न दी गई हैं। मतलब हमने तो ये सिंगल पे बनाया था, मतलब डबल सेट बनाया था, तो 155 टर्न हमने दी थी। तो डबल करके जब इसे डालेंगे तो 310 हो जाती हैं। तो अगर आप सिंगल पे भी बनाना चाहते हैं तो आपने 310 टर्न देनी है। कनेक्शन इसके 1 से 3 है, मतलब एक से छः सिरा छोड़ के एक साइड छोड़ के उसका अगले से करनी है, मतलब 1 से 3 इसके कनेक्शन होंगे। अब आ जाते हैं स्टार्टिंग डाटा पे। तो स्टार्टिंग में हमने 33 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है, और उसमें जो टर्न दी गई हैं वो हैं 620 टर्न दी गई हैं। मतलब आपने 310 इस सर अगर डबल डालना है तो फिर आपने 310 टर्न देनी है। तो कनेक्शन की बात की जाए तो कनेक्शन उसके 1 से 2 कनेक्शन है, मतलब सिरे के साथ दूसरे सिरा जुड़ जाएगा। इसका 1 से 3 था रनिंग का, और उसका एक सिरे से दूसरा 1 से 2 कनेक्शन है। इस पर कैपेसिटर जो आपने यूज़ करना है वो है मैक्सिमम 3 UF यूज़ करना है। वैसे आप 2.5 करें तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। तो बाकी अब आपको इसका वज़न बता देते हैं। वज़न इसमें जो रनिंग का वज़न है वो 250 ग्राम आपने 31 नंबर वायर इस्तेमाल करनी है, और जो स्टार्टिंग है वो तकरीबन 210-220 ग्राम लगती है, लेकिन वो भी आपने 250 ग्राम ही लेनी है। तो तकरीबन इसके में आपकी 460-470 ग्राम वायर लग जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही।